नहीं, कोई रेबेलियस वेबेल नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया रेबेल वेबेल नहीं सुप्रीम कोर्ट मेरा। को मिस अरे करते हो आप? देखिए, अब जहाँ रिटायर, मैं आगे का देखता हूँ, पीछे के देखने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं रिटायर हुए सितंबर 2011 में, अब 12 साल हो रहे हैं। अब क्या ये सब आगे का सोचो, पीछे से मैं सोचने से क्या फ़ायदा। मेरा देखिए 1 पॉइंट एजेंडा है कि कैसे देश को ऊपर उठाएं, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करें फ्रॉम अ बैकवर्ड कंट्री टू अ मॉडर्न हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। सर, आपके दादा की नेहरू के साथ दोस्ती थी, हाँ बताइए थोड़ा उसके बारे में। नहीं, हम वो ये असली में क्या था, मेरे दादाजी अलाहाबाद हाई कोर्ट प्रैक्टिस करते थे उस टाइम। पंडित नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े वकील, सबसे बड़े वकील थे अलाहाबाद हाई कोर्ट में, और मेरे दादाजी एक जूनियर वकील थे। मगर वो कई बार ब्रीफ करने गए मोतीलाल नेहरू को, और मोतीलाल नेहरू ने कहा कि बहुत मेहनती लड़का है, बहुत आगे जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू भी आए बैरिस्ट्री करके इंग्लैंड से, और करीब 6 महीने साल भर हाई कोर्ट में वकालत करी, फिर छोड़ दिया, फुल टाइम पॉलिटिक्स में चले गए। मगर तब से जानते हैं। आपके वहाँ जौहरा भी आए थे वो? जावरा भी आए थे, वो भी कश्मीरी पंडित हमारे जैसे। सर, आपका रोल मॉडल कौन है? कोई है नहीं आपका, या देखिए, कोई रोल जिस मॉडल टाइम तो पे था आप? मैं देखिए हिस्ट्री में तो दो लोगों को मानता हूँ, एक अशोक एक अकबर। अशोक का जो 12th पिलर एडिक्ट है, ये 260 या 270 ईसा पूर्व का है, जो आपको मिल जाए, गिरनार है जूनागढ़ गुजरात में, मैं गया हूँ देखा हूँ उसको। तो उसमें अशोक लिखते हैं 12th मेजर पिलर एडिक्ट, ये नोट कर लीजिए। उसमें अशोक लिखते हैं कि जो दूसरों के मजहब की बुराई करता है वो अपने मजहब का नुकसान कर रहा है, सब मजहबों की बराबर इज्जत होनी चाहिए। यानी क्या थॉट है ये, आप मेरा आर्टिकल भी इस पे छप गया, इवन पाकिस्तान पोर्टल में छपा। आप गूगल पे चले जाइए, जस्टिस काजू अशोक 12th मेजर पिलर एडिक्ट, उसमें लिखता है कि सब मजहबों की इज्जत करनी चाहिए, और जो दूसरों के मजहब की बुराई करता है वो अपने मजहब का नुकसान कर रहा है। एक तो अशोक थे, दूसरा अकबर। अकबर जैसा बादशाह कोई हुआ नहीं दुनिया में, जो सबकी इज्जत करता था। उसकी पॉलिसी थी जिसको कहते हैं सुलह ए कुल, मतलब सबको बराबर इज्जत दो। और उस टाइम पे ये पॉलिसी चलाई जब यूरोप में कत्लेआम हो रहा था मजहब के नाम पे, उस टाइम ये पॉलिसी चलाई। उसके कोर्ट में हाईएस्ट पोजीशंस पे हिंदू थे, जैसे राजा टोडरमल, उसका फाइनेंस मिनिस्टर था, सारा फाइनेंसिस कंट्रोल करते राजा टोडरमल, और आर्मी कमांडर बीरबल मान सिंह वगैरह आर्मी कमांडर भी थे, तो सबको बराबर इज्जत देता। उसके कोर्ट में मेरे आर्टिकल्स कई हैं, द रियल फादर ऑफ द इंडियन नेशन, मैं उसको कहता हूँ। गांधी तो फ्रॉड था, रियल रियल फादर ऑफ द इंडियन नेशन वॉज एम्परर अकबर, और ग्रैंड फादर वॉज अशोक, ये मैं कहता हूँ। सर, आप बोलते हो कि गरीबी हटाओ, ये है वो है, तो आपने गरीबी देखी है कभी? सफर किया है गरीबी में? या आप भी एलीट नहीं, सफर तो तबके नहीं के किया, जैसे, मगर कि हाँ एलीट तबके के खान मार्केट टाइप्स एलीट के जैसे, कि ये करो वो करो ये करो, पर आप कभी मैं वहां तक देखिए, मैं पहुंचे आपको, नहीं। आपने पूछा तो कैसी होती गरीबी? मैं बता रहा हूँ। मैं टॉपर था अलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बिल्कुल थ्रू आउट माई करियर आई वॉज फर्स्ट डिविजनर, और LLB में तो 300 स्टूडेंट मेरे साथ बैठे थे 1967 अलाहाबाद यूनिवर्सिटी के LLB। आई वॉज द ओनली वन हु गॉट फर्स्ट डिवीजन, बाकी सब सेकेंड डिवीजन, जो क्योंकि फर्स्ट डिवीजन होती थी अबव 67%, मैं अकेला में ही था। तो मेरा बहुत अच्छा करियर था एकेडमिक के, मगर मुझे सूझा कि अब हो गया बहुत सा, मैं चला गया गांव, जबकि मेरे फादर बड़े नाराज़ हुए मुझ पर। मैं वहाँ एक गांव में मैं स्कूल टीचर बन गया, 2 साल मैं रहा वहाँ से। इलाहाबाद ज़िले में पड़ता मगर शहर के बाहर, काफ़ी बाहर, और वहाँ पे मेरी वेतन था 80 रुपये महीने, और JNS अलाउंस 40 रुपये, अभी तक मुझे याद है, 140 120 रुपये महीने मुझे वेतन मिलता था। मगर मेरे लिए काफ़ी, आई वॉज नॉट मैरिड, मुझे कोई लाइबिलिटी नहीं थी। एक छोटा सा वो कच्चे कच्चे सब मकान थे, कच्ची कोई पक्की सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, रात को बच्चे आते थे मुझसे, मैथमेटिक्स में पढ़ाता था, तो मैं कुछ चार्ज नहीं करता था। मैं बच्चों से कहा जो कमज़ोर है शाम को आओ, लालटेन लेके आओ, लालटेन में हम पढ़ाते थे,
ये 2 साल मैंने पढ़ाया, मैं उन वो लोग गरीब थे बहुत, आई लिव फॉर 2 ईयर्स गाँव में मेरा, आप तो रहे नहीं होंगे, बातें करते हैं बस, नहीं मैं गाँव का ही हूँ। अच्छा गाँव के हैं मगर पता नहीं क्या देखा, मैं 2 साल रहा आपका हरियाणा तो फिर भी ज़्यादा विकसित है, मगर मैं 2 साल गरीब लोगों के बीच में रहा, तो वहाँ उस जमाने, अब तो आ गए, मैं बाद में जब जज हुआ हाई कोर्ट का तो मुझे उन्होंने इन्वाइट किया अपने एनुअल फंक्शन, वो इसी स्कूल ने, मैं गया तब देखा पक्की सड़कें हो गई, बिजली आ गई, पक्के मकान हो, मगर मैं जब पढ़ाता था 67 69, तो उस ज़माने में उस स्कूल में ना कोई पक्की सड़क नहीं थी, पक्की बिल्डिंग नहीं थी, बिजली नहीं थी, लालटेन में रात को मैं पढ़ाता था बच्चों को। जी सर ये बड़ा लाइटर क्वेश्चन, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, जो आप कॉलेज टाइम में थे तो जितने भी आप दोस्त वोस्त थे उस वक्त किसी की कोई गर्लफ्रेंड वगैरह होती थी, ऐसा कल्चर था कि गर्लफ्रेंड बनाने का या ऐसा कुछ? नहीं नहीं क्यों नहीं थी, मगर नहीं मैं नहीं मगर मैं बहुत सीरियस लड़का था, मैं पढ़ता बहुत था, तो मैं अपनी कोर्स की पढ़ाई प्लस जनरल मैं स्टडी बहुत करता था, मैं अक्सर चला जाता था, वहाँ लाइब्रेरी है मेलफिट पार्क में, तो मैं वहाँ चला जाता था, दिन भर रहता था, पढ़ता रहता था, तो ज़्यादा गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं पढ़ा उस ज़माने में, और लोग पढ़े होंगे। मैं सर एक ये भी कहा जाता है कि जस्टिस कार्ड जो कि बड़े बड़े लोगों के साथ दोस्ती है, उनको किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं है, वो दिल आए वो बोल सकते हैं, कितने प्रधानमंत्रियों के साथ दोस्ती है? नहीं दोस्ती क्या, मैं मिला हूँ कई प्रधानमंत्रियों से, मैं मिला हूँ बाहर के और इंडिया के दोनों के मिला के, बाहर के तो मैं शायद नहीं मिला किसी का, मगर यहाँ जब से नेहरू पे लाल बहादुर शास्त्री ये लोग बच्चे हमारे, मेरे फादर भी कांग्रेस में बहुत ऊँचे पद पे थे, वो सब उनके दोस्त थे, आते थे हमारे घर में, बहुत बड़ा घर था इलाहाबाद में, तो और हाल में मैं इनसे मनमोहन सिंह से कई बार मिला, मोदी जी से हैं, मोदी जी से मैं नहीं मिला। क्या क्या विचार है आपके मोदी जी के ऊपर, किस तरीके का व्यक्ति? देखिए मैंने अब सुन लीजिएगा, आपने सवाल पूछा थोड़ा वक्त दीजिए मुझे, मेरी एक इंटरव्यू हुई, बल्कि क्या था वो बरखा दत्त ले रही थी NDTV में, वो 1 लाख का जो लिंचिंग हुई थी ना यहाँ दादरी में, उस पर उसने पैनल डिस्कशन किया था, तो कई नेता आए थे, 2 BJP के थे, 1 समाजवादी पार्टी के थे, 1 कांग्रेस के थे, पहले इनसे बरखा ने बोलने को कहा तो ये आपस में लड़ रहे थे, मुझसे बरखा को ने बोलने को कहा तो मैंने कहा बरखा ये बहुत बुरा ज़माना है देश में, ये सारे नेता जो हैं दे आर अ सेट ऑफ रोग्स एंड रास्कल्स, ऑल पॉलिटिशियन ऑफ ऑल पार्टीज एंड दे ऑल डिजर्व टू बी हैंग्ड। तो बरखा बोली कि ये क्या आप बात कर रहे हैं, लूज टॉक। हमने कहा बिल्कुल लूज टॉक नहीं, जो लोग नफरत फैलाएं, जो करोड़ों में नफरत फैलाएं मजहब के नाम पे, जात के नाम पे, उनको फांसी नहीं होनी चाहिए, ये आप एक कत्ल कर दें तो आपकी फांसी हो सकती है, और यहाँ तो आप करोड़ों की कत्ल कर रहे हैं नफरत जहर फैला के, तो ये लूज टॉक, मैं सीरियस टॉक कर रहा हूँ, इन पूरी पॉलिटिक्स चलती है हिंदुस्तान में कास्ट और रिलीजन के नाम पे लार्जली, और ये लोग नफरत फैलाते हैं, पोलराइज करते हैं सोसाइटी, तो उसको फांसी नहीं लगनी चाहिए, तो ये BJP का ही नहीं कहता, मैं सभी पार्टीज के लिए कहता हूँ, एक ही थैले के चट्टे बट्टे, इनको चाहिए सत्ता और इनको चाहिए पैसा, जो देश से कोई प्रेम नहीं है इन लोगों को। सर BJP मजहब के नाम पे चलाती है और पार्टी आती है वो जात के नाम पे चलाते हैं, फर्क ये है। सर अब आप जैसे रिटायरमेंट ले लिया, आपने अभी रिटायर्ड है, तो आपका मन करता है कभी टीचर बनने का या प्रोफेसर बनने का कि जो मेरे थॉट्स हैं मैं वो बच्चों तक पहुंचाऊंगा? मैं पढ़ा तो नहीं है, ये जो आपकी इंटरव्यू भी चल रही है ये टीचिंग तो हो रही है, मेरा देखिए मेरा पूरा एक 1 पॉइंट प्रोग्राम है लाइफ का, अब कुछ साल रह गए लाइफ के, कि आप लोगों को एजुकेट करूं, क्योंकि आपके खोपड़े में तो भूसा भरा है कूड़ा कर, सही बात तो आप लोगों को बताई नहीं गई है, अपने को एजुकेटेड आप मानते हैं, मैं नहीं मानता हूँ एजुकेटेड, तो लिहाजा लोग, अब मैं इसलिए आपको मूर्ख कहता हूँ, मैंने कहा 90% लोग मूर्ख हैं, बल्कि 95% होना चाहिए, इसलिए नहीं कहता हूँ आपको मतलब कि आप हमेशा मूर्ख बने रहें, इसलिए मैं आपसे सख्त बात कहता हूँ ताकि मूर्खता हटे आप में,
आप प्रगति करें, प्रोग्रेस करें, आप अच्छा आपका देश ऊपर बढ़े। आपको गिराने के लिए नहीं कहता, आपको बढ़ाने के लिए, मगर सख्त बात कहनी होगी। जातिवाद भरा हुआ है। मैंने बताया ना, देहरादून यूनिवर्सिटी में मैं गया, उन्होंने बुलाया था मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में बोलने के लिए, और वो हॉल भरा था खचाखच। सामने की सीट में वो प्रोफेसर बैठे थे, मेल प्रोफेसर, फीमेल प्रोफेसर, बढ़िया बढ़िया कोट टाई, और कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी लेके आया, कोई लंदन स्कूल हो गए, पीछे स्टूडेंट्स में खचाखच हॉल भरा था। तो मैंने कहा कि अभी दो मिनट में प्रूव कर दूंगा कि ये प्रोफेसर जो बैठे हैं ना यहाँ, कोई हार्वर्ड का पीएचडी लेके आया, कोई येल का ले आया, कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ले आया, दो मिनट में प्रूव कर दूंगा कि खोपड़े में भूसा भरा इनके, गोबर भरा। और सीरियसली मैंने कहा, ये आप सुन भी लीजिएगा, मैंने कहा भाई एक सवाल मैं पूछ लूँ, इनकी बेटी अगर किसी दलित से शादी करना चाहे राज़ी होंगे? एक नहीं होगा, वो कई तो ऑनर किलिंग करवा देंगे। तो मैंने कहा, मैंने प्रूव कर दिया बस कि जातिवाद भरा हुआ है, गोबर भरा है इन लोगों के सर में। होंगे बढ़िया बढ़िया सूट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, लेडीज हैं बड़ी रंगीन साड़ियाँ पहनती हैं। सर, मगर आप अपने आप को ज़्यादा अच्छा वकील मानते हैं या ज़्यादा अच्छा जज मानते हैं? जज से ज़्यादा अच्छी आपकी थी या वकालत? नहीं, जजी में मैं ज़्यादा खुश था, क्योंकि जज में मैं अपना आइडियाज प्रेजेंट कर सकता था जजमेंट के थ्रू। वकील तो बहस कर सकता है, वो जजमेंट तो दे नहीं सकता है, मगर एज अ जज मुझ में कैपेसिटी हो, जहाँ भी मुझे पॉसिबल हुआ किसी सिचुएशन में, आई गेव प्रोग्रेसिव आइडियाज, मॉडर्न आइडियाज, साइंटिफिक आइडियाज, वो प्रोजेक्ट किया मैंने। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इलाहाबाद हाई कोर्ट में नया नया जज बना था 1991 में, हाँ, तो उसके कुछ महीने के अंदर आ गया एक केस, एक वो टीचर था यहीं दिल्ली के आसपास, यूपी था मगर दिल्ली के आसपास, कोई नरेश चंद वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस डीआईओस, आप लगा लीजिए, देखिए लगाइए, नरेश चंद वर्सेस डीआईओस। तो उसमें क्या था कि वो ओबीसी का था, और उसको अपॉइंट किया गया था साइंस टीचर, हाई स्कूल था, कोई बड़ा विद्यालय नहीं था, उसको टीचर, साइंस टीचर अपॉइंट कर दिया गया ऑन अ पोस्ट विच वॉज रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। वो शेड्यूल कास्ट नहीं था, ओबीसी था। बाद में उसको निकाल दिया गया कि ये तो पोस्ट रिजर्व थी, तो रिट कर केस किया उसने हाईकोर्ट, मेरे सामने आया। अच्छा, मैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यूज का, मैंने जजमेंट बड़ा लंबा छोड़ा दिया उसका, पूरा उस जमाने में हिंदुस्तान में फैल गया। मैंने कहा कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी में इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता, और सब चीज बातों में करिए आप, यू कांट मेक एनी रिजर्वेशन ऑन साइंटिफिक पोस्ट और साइंस एडमिशन टू इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल। ये साइंस इतनी वाइटल चीज़ है हमारे कंट्री के लिए कि इसमें प्योर मेरिट पे चलना है। आप ये नहीं कह सकते हैं साहब कि दलितों को दीजिए, पिछड़ों को दीजिए, और सब्जेक्ट में करिए इसमें, डोंट टच साइंस। मैं साइंस में बहुत मेरा फेथ है। तो वो जजमेंट दिया और नतीजा हुआ सारे नेता मेरे जान के पीछे पड़ गए, और कि मेरा इम्पीचमेंट करेंगे। मैंने कहा भाई अभी अभी जज हुआ हाई कोर्ट का, और 6 महीने के अंदर बाहर दरवाजे के बाहर कर बहुत डरे, वो मेरी फैमिली बड़ी डरी हुई थी, मगर खैर वो देख लीजिए, नरेश चंद वर्सेस DIOS मिला आपको? मतलब आप स्टार्टिंग से बेबाक रहे हमेशा। हाँ, तो वो विद इन अ फ्यू मंथ्स, हम अब देखिए नरेश चंद NARESCHAND, नरेश चंद वर्सेस DIOS। सर, आप अपने आप को दूसरों से अलग क्यों मानते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और सारी दुनिया बेवकूफ है, 95% तो भारतीय हैं, और जो मेरा इंटरव्यू लेने आते हैं वो भी बेवकूफ है, मेरे को ही ब्रह्म ज्ञान है, मैं ही वेदों का शास्त्र हूँ, मेरे को ही दिव्य ज्ञान है, मैं ही शंकराचार्य हूँ, ये उपाधियाँ आपने क्यों दे रखी हैं अपने आप और दूसरों को भी? हाँ, इसलिए देखिए, इसलिए कि एक तो समझिए कि मैं अपने को अभी भी स्टूडेंट मानता हूँ। कई चीज़ें मुझे नहीं मालूम, कई चीज़ें मैं आप लोगों से सीखता, औरों से सीखता रहता हूँ,
और कभी कभी आप जो बात बताते हैं मैं उस पर सोचता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ मेरा विचार गलत था और मैं फिर उसको करेक्ट करता हूँ, तो मैं भाई आभारी हूँ आपका। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा आई एम ऑलवेज राइट, आई मे बी रॉन्ग समटाइम, मगर आपको प्रूव करना पड़ेगा बाई लॉजिक, मैं ब्लाइंडली नहीं एक्सेप्ट करूँगा। जहाँ तक मेरा नॉलेज का सवाल, देखिए मैंने अब ये अब 77 साल का हूँ, करीब 10 साल की उम्र से मुझ में कीड़ा पड़ गया था एक, जो अभी तक पड़ा है, वो था पढ़ने का, जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी, आई मस्ट नो। तो मैं रात दिन पढ़ता, अभी भी मेरे रात दिन तपस्या चलती रहती है। तो इतनी मैंने नॉलेज एक्वायर करी कि मैं अब आई कैन विद इन वेरी क्लियर टाइम, और मैं जो बात कहता हूँ उसके रीजंस देता हूँ। मैं आप पे कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता हूँ, अगर मेरे रीजंस आपको अपील करें, आपको लगे हाँ सही रीजन, तभी आप एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं हर बात का मैं रीज़न देता हूँ, और जो मैं पोस्ट डालता हूँ फेसबुक पे, आपने देखे होंगे, बड़ी मेहनत करना पड़ता मुझे, सारी जो मेरी 50-60 साल की मेरी स्टडी है उसका, उसमें से फिर सोच के कहाँ ये किस ऑथर ने बात कही थी, वो सब करेक्ट करके उसको एक अरेंज करना पड़ता, सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना पड़ता, बड़ा इट इज़ वेरी लेबोरियस, बहुत मेहनत करनी पड़ती मुझे। तो क्या है कि आप अगर मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं तो भाई आपके सामने हाथ जोड़ दूंगा, भाई मुझे सिखाइए, मैं तो चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, अभी भी अपने को स्टूडेंट मानता हूँ। आप बताइए, फिर अपना लॉजिक दीजिए और मेरा लॉजिक सुनिए। मैं ये नहीं हूँ कि मैं आई एम द ओनली वन, अगर और कोई है आए मेरे सामने बताए मुझे। सर यहूदी जो थे वो एक वो उनका स्लैंग था कि ओ यरूशलम इफ आई लेफ्ट यू मे माय लेफ्ट हैंड पेरिश, तो उसी तरीके से आपने जौरा के बारे में लिखा है ऐसा कि ओ जौरा इफ आई लेफ्ट यू मे माय लेफ्ट हैंड पेरिश, तो मिस करते हैं आप अपने उस जगह को। देखिए ऐसा था कि हम लोग हैं कश्मीरी पंडित, मगर हम लोग कश्मीर से आए हुए करीब 200 साल हो गए, तो उस ज़माने में जो कश्मीरी पंडित आते थे उनको ये रजवाड़ों में नौकरी मिल जाती थी, जो महाराजा नवाब के कोर्ट में, क्योंकि इन रजवाड़ों में जो कोर्ट लैंग्वेज होती थी उर्दू फारसी होती थी। देखिए अंग्रेज़ों के ज़माने में एक पार्ट ऑफ इंडिया वॉज अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल एंड पार्ट ऑफ इंडिया वॉज अंडर द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट मतलब महाराजा नवाब इनके स्टेट्स होते थे, तो इनके कोर्ट में उर्दू फारसी कोर्ट लैंग्वेज होती थी, और हम लोग कश्मीरी पंडित बहुत अच्छा उर्दू फारसी जानते थे, यानी बेटर देन मुस्लिम्स, हम लोग की उर्दू फारसी इतनी अच्छी थी कि नौकरी मिल जाती थी हम लोग को। तो मेरे भी जो पुरखे आए थे मुझसे 6-7 पीढ़ी ऊपर, पंडित मनसाराम गाडजू, तो उनको एक जावरा स्टेट है जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश में अब है, एक ज़माने में बहुत बड़ी रियासत होती थी ये, एज बिग एज भोपाल या इंदौर ग्वालियर, बहुत बड़ी रियासत होती थी जावरा रियासत, वहाँ के नवाब के कोर्ट में सर्विस मिल गई, और तब से कई 4-5 पीढ़ी हम लोग वहाँ नौकरी किए। फिर मेरे दादाजी डॉक्टर कैलाशनाथ का जो वो वकालत किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, बहुत बड़े वकील हुए, मगर अभी भी हम लोग का लगाव बहुत है जावरा से, क्योंकि कई पीढ़ी हम लोग वहाँ रहे और वहाँ का नमक खाया, तो नेचुरली हम लोग का एहसान है, उनका एहसान है हम पर। जी सर, जब आप पहली बार अपॉइंट हुए सुप्रीम कोर्ट के जज, हाँ, तो क्या वक्त था वो, किसने आपको बताया था या कहाँ बैठे थे, क्या कैसे वो नोटिफिकेशन मिला था आपको? नहीं, मैं उस टाइम चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट था जी, तो मुझे बताया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे जस्टिस सबरवाल, उन्होंने बताया कि आप कि मेरा हो गया, उन्हीं ने रिकमेंड भी किया था मेरा नाम। तो आपने सोचा उस वक्त कि क्या क्या नए डेवलपमेंट्स आप सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त करेंगे, या ये एक मौका है आप आपके पास में? देखिए जज जो होता है, कोई नेता तो होता नहीं है, हमारे सामने जो केस आता है उसी पे फैसला करना होता है, कोई जनरल बातें तो हम, जैसे नेता तो किसी भी विषय पे कोई बिल इंट्रोड्यूस कर दे पार्लियामेंट में, हम लोग तो जो केस आता है उसी पे, तो मैं तो मॉडर्न व्यूज़ का आदमी हूँ, मैं कोशिश करता कि अब जैसे एक केस आया, शुरू में मुश्किल से
एक हफ्ता मेरे जज हुए, सुप्रीम कोर्ट जज हुए, उसके बाद केस आया लता सिंह वर्स स्टेट ऑफ यूपी, तो मेरे सीनियर थे जस्टिस अशोक भान और मैं उनका उनके साथ टू मेंबर बेंच थी। तो उसमें फैक्ट्स ये थे कि एक लड़का था वो गुप्ता था, उसकी बिजनेस थी लखनऊ में, अच्छी बिजनेस करता था, उसका इश्क हो गया एक राजपूत लड़की से, क्षत्रिय लड़की से। अब वो लड़की के भाइयों को मालूम हुआ तो वो आए और धमकी दी मार डालेंगे, वो भागा वहाँ से बेचारा, मगर वो शादी वादी कर ली। फिर कुछ केस वेस आया, पर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा केस, तो जैसे अशोक भान थे तो सीनियर, मगर उन्होंने कहा मुझसे तुम लिखो इसमें जजमेंट, मैंने कहा लिख देता। तो अभी भी आप लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी गूगल पे देख लीजिए। तो मैंने कहा कि देखिए, अगर आप की लड़की दूसरे जात या दूसरे मजहब के लड़के से शादी करना चाहती है तो मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि उससे आप अपना नाता तोड़ दीजिए, सोशल रिलेशन ब्रेक ऑफ कर दीजिए, कह दीजिए मेरे घर मत आओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ, इतना कर सकते। मगर उसको मारना, पीटना, उसका कत्ल करना, उसको बंद कर देना कमरे में, ये दिस इज इलीगल, तो इस पे आपको सजा होगी, ये नहीं कर सकते आप। आप सोशल रिलेशन कट ऑफ कर लीजिए, दैट इज योर राइट, जिसके साथ आप रखना चाहते हैं रिश्ता रखिए, नहीं रखना चाहते इतना आप कर सकते हैं, मगर इसके यहाँ तो उसके मारने की धमकी आ गई। तो मैंने कहा ये बिल्कुल पुलिस विल टेक एक्शन और कार्रवाई इस पे की जाए। सर, लंदन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 1780 इंग्लैंड में, हाँ, और उसके बाद ये कहा जाता है कि जो अभी की जो दुनिया है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद की दुनिया है, हाँ। तो क्या ओपिनियन है आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे, और साथ ही साथ में हिंदुस्तान में भी इस तरीके का कोई रेवोल्यूशन? देखिए, ऐसा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करीब फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में शुरू हुआ, इंग्लैंड में शुरू हुआ था, बाद में फैल गया और जगह। उसके पहले दुनिया भर में जो समाज होते थे दे वर फ्यूडल सोसाइटीज, तो फ्यूडल सोसाइटी में जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो इतने बैकवर्ड होते हैं कि हल से खेती हो रही है, ट्रैक्टर होते नहीं थे, तो इतने प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कि वेरी लिटिल वेल्थ कैन बी जनरेटेड बाय दोज बैकवर्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका मतलब, क्योंकि वेल्थ ही इतनी कम है, तो थोड़े से लोग थे जो धनी हो सकते थे, रिच हो सकते थे, ये राजा किंग या एरिस्टोक्रेट्स, जमींदार, यही लोग धनी हो सकते, बाकी 95% जनता को गरीब रहना पड़ता था, क्योंकि जब व्हेन द केक इज सो स्मॉल वेरी फ्यू पीपल कैन ईट इट। अब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, नाउ सिचुएशन हैज बीन ड्रेस्टिकली चेंज्ड, अब बिल्कुल बदल गई सिचुएशन। अब मॉडर्न इंडस्ट्री इज सो पावरफुल एंड सो बिग दैट इनफ वेल्थ कैन बी जनरेटेड टू गिव गुड लाइफ टू एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्री इतनी पावरफुल, इतनी बड़ी हो गई है कि अब किसी को गरीब रहने की आवश्यकता नहीं है। मगर ऐसी सिचुएशन आ जाने के बाद भी हकीकत यह है कि 75% दुनिया गरीब है, जबकि कोई अब ज़रूरी नहीं है रहना, क्योंकि अब मॉडर्न इंडस्ट्री आ गई है। क्यों है गरीब 75% दुनिया? देखिए, यहाँ आपको बहुत केयरफुली सुनना पड़ेगा मुझे। देखिए, ये दुनिया एक दुनिया नहीं है, ये दो दुनिया हैं। एक दुनिया है वर्ल्ड ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें आता है नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, कनाडा, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, अब चाइना भी आ गया है उसमें, इन द रैंक्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। और दूसरी दुनिया है रैंक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, विच इंक्लूड्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्रीज, ये सब। और ज़्यादातर लोग अंडर डेवलप कंट्रीज में रहते हैं। जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें एक अनरिटन रूल है, सीक्रेट अनरिटन रूल, कि अंडर डेवलप कंट्रीज को डेवलप कंट्री नहीं बनने देना है किसी। क्यों? अब देखिए, इसका कारण सुनिए। देखिए, कॉस्ट ऑफ लेबर इज अ बिग चंक ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसलिए जब कॉस्ट ऑफ लेबर कम होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो आप अपना माल सस्ते में बेच सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया।
जैसे मार्केट मार्केट में कंपटीशन है और एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को एलिमिनेट करता है बाय अंडर सेलिंग, नॉट विद बॉम्ब्स ऑफ गन्स बट बाय सेलिंग एट अ चीपर प्राइस। अब यही नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए चाइना का, चाइना बहुत गरीब देश था, हिंदुस्तान से भी गरीब था 1949 में जब उनकी रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था। उसके बाद जो चाइनीज लीडर्स ने बड़ा मैसिव इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट किया चाइना में, वो मैसिव इंडस्ट्रियल बेस कपल्ड विद द चीप लेबर अवेलेबल इन चाइना, दैट एनेबल्स द चाइनीज टू अंडरसेल द होल वर्ल्ड इन कंज्यूमर गुड्स। आप जाइए, मैं बहुत जाता हूँ अमेरिका, जो सुपर मार्केट्स हैं अमेरिका में पैक्ड विद चाइनीज गुड्स, क्योंकि चाइनीज गुड्स वही हाई क्वालिटी का जो अमेरिकन मैन्युफैक्चर बनाता है मगर आधे दाम पे बिकता है। क्यों? क्योंकि चाइनीज लेबर सस्ता है, अमेरिकन लेबर बहुत महंगा है। कहने का मतलब जो देश में लेबर सस्ता है वो उसको एक एडवांटेज है ओवर कंट्रीज विच हैव एक्सपेंसिव लेबर, प्रोवाइडेड दे सेट अप अ मैसिव इंडस्ट्रियल बेस। तो अगर इंडियन और इंडियन लेबर इज इवन चीपर देन चाइनीज लेबर, अगर हम एक मैसिव इंडस्ट्रियल बेस बना दें जिसका हमें पूरी कैपेसिटी है, हमारे पास हज़ारों बड़े अच्छे इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, मगर अगर हम एक मैसिव इंडस्ट्रियल बेस बना दें हिंदुस्तान में, तो या वेस्टर्न इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकेंगी? वो कंपटीशन कैसे फेस कर सकें? क्योंकि मैं तो हम तो उनसे आधे से भी कम दाम से बेच वही हाई क्वालिटी माल बेचेंगे, तो उनका माल कौन खरीदेगा? उनकी फैक्ट्री सब बंद होने लगेंगी, बेरोजगारी, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो क्या वो ऐसा होने देंगे? कभी नहीं होने देंगे। तो कैसे रोकें? रोके इस तरीके से कि लड़वाओ, हिंदू मुसलमान को लड़वाओ, कास्ट बेसिस पर लड़वाओ, आप समझ पा रहे हैं? तो वो बैक करते हैं। अब जैसे तालिबान आ गई अफगानिस्तान, बिल्कुल उजड़ किस्म के लोग, तो मगर अमेरिका अंदर से खुश है कि उजड़ रहे, बैकवर्ड रहे। अभी वहाँ पे एक बहुत ग्रेट रूलर था किंग अमानुल्लाह, वो 1929 10 साल हुकूमत किया, वो मॉडर्नाइज करना चाहता था अफगानिस्तान को। उसका मेरा आर्टिकल पढ़ लीजिएगा मैंने जस्टिस काजू किंग अमानुल्लाह पे, वो मॉडर्नाइज करता था, मगर उसको अंग्रेज़ों ने हाँ मुल्ला उल्ला उसके हेल्प लेके उसको बाहर फेंक दिया। तो कहने का मतलब दे आर हैप्पी, वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज आर हैप्पी इफ बैकवर्ड माइंडेड पीपल आर इन पावर, जो कंट्री को पिछड़ा रखें हैं, इंडिया में भी, पाकिस्तान में, ये अफगानिस्तान, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रियलाइज हो जाएंगे तो फिर उनका माल कौन खरीदेगा? तो देखिए ये पूरा दुनिया में खेल यही चल रहा है। हम हमारी कैपेसिटी है, हम 20 साल में वी कैन बिकम लाइक अमेरिका, 20 साल से ज़्यादा नहीं लगता इंडस्ट्रियलाइज होने में। जापान 1868 में मेजर रेस्टोरेशन हुआ, उसके पहले जापान बड़ा पिछड़ा मुल्क था, सामंती मुल्क था, मगर जो मेजर रेस्टोरेशन के बाद जो रूलर्स आए पावर में, उन्होंने धड़ाधड़ मॉडर्न इंजीनियर बुलाए, साइंटिस्ट वेस्ट से बुलाए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, ये वो, 20 साल में जापान बदल गया, बिल्कुल मॉडर्न इंडस्ट्रियल कंट्री बन गया। 20 साल लगते हैं देश को मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए, मगर अगर हम हो जाएंगे तो इनका क्या होगा, वेस्टर्नर्स का, इनका माल कौन खरीदेगा? पूरा खेल ये है, और इसी के तहत है पार्टीशन, जो पाकिस्तान बनाया गया। क्यों? क्योंकि लड़ते रहे हिंदू मुसलमान। पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है, पाकिस्तान क्या है, वहाँ पंजाब है, वहाँ सिंध है, बलूचिस्तान, ये सब मुग़लों के ज़माने से हम लोग एक थे, अभी भी एक है। मेरे बहुत पाकिस्तानी दोस्त हैं, मैं उनसे स्काइप पे अक्सर बात करता हूँ, लगता ही नहीं कि जैसे कोई फॉरेनर से मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तानी में जैसे आपसे बोल रहा हूँ उनसे बोलता हूँ, वो बड़ा प्रेम से बात होती है। तो ये पाकिस्तान है फर्जी मुल्क, कोई मुल्क नहीं है, इट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट बाउंड टू बी रीयूनाइटेड, जैसे वेस्ट और ईस्ट जर्मनी रीयूनाइट हुए थे। जैसे कि वेस्ट में होता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं और कई बड़े लीडर्स, थिंकर्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को ओरिजिनेट करते हैं, हिंदुस्तान में आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, आपके जो ओपिनियन हैं, उनको भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और साथ ही साथ में बड़ा प्रोवोकेटिव माना जाता है, ऐसा क्यों है सर? इसलिए क्योंकि आप लोग कई सेंचुरी से आपके दिमाग में कूड़ा करकट डाल दिया गया है, जैसे जातिवाद का, ये भी अपने आप में कॉन्स्पिरेसी है ये कहना। देखिए वो फ्यूडल टाइम्स में, फ्यूडल सोसाइटी में कास्टिज्म होता था, इट वॉज बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम, वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन वाज कास्ट सिस्टम, मगर आज के लिए वो आउटडेटेड हो गया है।
something which may be have been useful in a certain stage of history, later on it becomes reactionary. आज तो बिल्कुल प्रतिक्रियावादी है, जात व्यवस्था को डिस्ट्रॉय करना, कंस्पिरेसी नहीं है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। तो सवाल है कि देखिए, मैंने आपको बताया कि ये मैं सीधे सीधे फोकस्ड हूँ। अगर मेरा कोर आइडियाज आप लेंगे बिल्कुल नैरो है, वो ये है कैसे भारत को ऊंचा प्रॉस्परस कंट्री बनाया जाए, बस ये है। सारी मेरी थिंकिंग, सारे मेरे पोस्ट, सारे आर्टिकल, सारे स्पीचेस, वीडियो इंटरव्यू, सब इस पे फोकस्ड है, इसी के ही वो हैं, ऑफशूट्स हैं। इट ऑल रिवॉल्व अराउंड द सेंट्रल थिंग। देखिए, सबसे बुरी चीज होती है गरीबी, और हर पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल सिस्टम का एक और एक ही टेस्ट होता है कि क्या इससे लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। द टेस्ट ऑफ एवरी पॉलिटिकल एक्टिविटी इन सिस्टम इज वन एंड ओनली वन, कि डज इट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल और नॉट। बाकी सब इरेलेवेंट। अब जैसे मानिए, फॉर एग्जांपल, मोदी हट जाए, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, इससे क्या गरीबी हट जाएगी हिंदुस्तान में, बेरोजगारी घट जाएगी? कुछ नहीं घटेगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मुसलमानों पे थोड़ा सा जुल्म कम हो जाएगा, दैट्स ऑल, वो भी होता रहेगा, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं हुआ था, मगर थोड़ा सा कम हो जाए। अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई। अरे मैंने कल सुना कि 50 रुपये सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया है। बेरोजगारी का जो आलम है कि अगर 100 चपरासी की नौकरियां एडवर्टाइज हों, 10 लाख एप्लीकेशन आ जाएंगे, और कई उनमें से PhD, MSc, इंजीनियर्स, MBA भीख मांग रहे हैं चपरासी की नौकरी के लिए, जबकि 100 नौकरियां एडवर्टाइज हुई हैं, 10 लाख आ जाएंगे। आप देख लीजिए कहीं भी होता जी, और ये विकास हुआ है, जो कहा गया था मोदी जी ने विकास होगा, ये विकास हुआ है। और भुखमरी का हाल ये है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने कहा कि भारत का हर दूसरा बच्चा कुपोषित है, खाने को नहीं मिलता, और इंडिया है स्लिप, जो 121 देशों का उन्होंने सर्वे किया था, इतने रिस्पेक्टेड इंटरनेशनल एजेंसी, उन्होंने 121 कंट्रीज को स्टडी किया। कुछ साल पहले इंडिया की पोजीशन 101 थी, अब और गिर के 107 हो गई है। हम इन्हें हम लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इनसे भी बदतर हैं भुखमरी में। सर आपके फेवरेट, विकास हुआ है। सॉरी टू इंटरप्ट सर, आपके फेवरेट ऑथर कौन है? क्या यू आर आस्किंग फॉर लिटरेचर की? हमारे कई हैं जो, अगर आप यूरोपियंस का पूछें हम यूरोपियन बता सकते हैं, इंडियन पूछें हम इंडियन बता सकते हैं। आप कहाँ के? यूरोप, इंडिया, और हमारे नेटिव लैंग्वेज में भी बता दीजिएगा। पहले यूरोप से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूरोप में मैंने बताया ना, दो बड़े ग्रेट थिंकर्स रहे, दोनों फ्रांस के थे। एक का नाम था वोल्टेयर और दूसरा का नाम था रूसो। अच्छा, ये दे आर द टू क्रिएटर्स ऑफ मॉडर्न यूरोप। वोल्टेयर ने एम्फसाइज किया रीजन पे, और उसने कस के अटैक किया ये फ्यूडल सिस्टम पे, पूरा फ्यूडल सिस्टम पे भागना पड़ा उसको, ही वाज चेस्ड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रिलीजियस बिगेट्री, अंधविश्वास और एक्सट्रीमिज्म को क्या, इंतहा पसंदी, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पे कस के अटैक किया उसने। वो था वोल्टेयर, रीजन पे एम्फसाइज करता था। रूसो ने एम्फसाइज किया इमोशन, क्यों? रूसो ये कहता था कि ठीक है, रीजन ठीक है, मगर अगर आप में पैशन नहीं हो कि हमें देश के लिए कुछ करना है, अगर सिर्फ रीजन ही पे चलेंगे, तब तो आप बड़े स्वार्थी हो जाएंगे। आपका रीजन कहेगा इतना पैसा कमाओ, अपने परिवार के लिए कमाओ, आप भूल जाओ, समाज मरे ये सब भूल जाओ, अपना देखो बस, तो आपको स्वार्थी बना देगा अगर सिर्फ रीजन पे। इमोशन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशन इन द फॉर्म ऑफ पैशन, यानी जो पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति,
कि आपको देश के लिए करना चाहे जान चली जाए, इस पे रूसों ने एम्फेसिस किया। ये दो ग्रेट, तो ये इसी का कॉम्बिनेशन होना है। ये दो टू ऑफ द ग्रेट राइटर्स ऑफ यूरोप जो आपने नाम पूछे, मैंने बताया वोल्टेयर एंड रूसो, वेरी ग्रेट राइटर्स। और वैसे लिटरेचर में तो बहुत सारे हैं, चार्ल्स डिकेंस है, टॉल्स्टॉय है, तमाम, मगर ये पॉलिटिकल थिंकर ये लोग थे। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में देखिए ऐसा है, जो लिटरेरी फिगर्स जिनको मैं मानता हूँ, जो प्रोज में मैं समझता हूँ, जो सबसे देखिए बेस्ट प्रोज इन इंडिया इज इन बंगाली एंड बेस्ट पोइट्री इज इन उर्दू। ऐसे हर भाषा में हैं अच्छे राइटर्स, पोइट्स हैं, मगर प्रोज में बेस्ट मैं मानता हूँ बंगाली, जैसे शरदचंद चट्टोपाध्याय, ही इज़ द ग्रेटेस्ट। उनकी कहानियाँ पढ़ी, वेरी ग्रेट राइटर, जो पावरफुल अटैक किया उसने कास्टिज्म पे और फ्यूडलिज्म पे, शरदचंद चट्टोपाध्याय। और पोइट्री में उर्दू पोइट्री इज़ द बेस्ट, उर्दू पोइट्री बिल्कुल सेकुलर पोइट्री है, वो फैज़ अहमद फैज़ और तमाम बहुत बड़े बड़े शायर हैं। तो तमिल में थे सुब्रमण्य भारती, जिन्होंने विमेन इमेंसिपेशन पे बड़ी पावरफुल पोइट्री लिखी। बहुत बहुत अच्छे राइटर्स हुए हैं कई। सर कोई आपने उर्दू की बात करी, कोई ये लास्ट क्वेश्चन है, कोई शायरी आपके फेवरेट सुना दीजिएगा। आप शायर शेर व शायरी तो करते ही हैं। देखिए शेर तो बहुत है, एक जो फिराक गोरखपुरी का शेर मुझे बहुत पसंद है, वो जो ये जो युग है, ट्रांजिशनल पीरियड है, ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडल सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो चल रहा है आज, उसको वो इलस्ट्रेट। देखिए उर्दू शायरी की खूबी ये है, जो जो शेर होते हैं वो दो लाइन में बिल्कुल कंडेंस कर देते हैं, बहुत बड़ी जो किताबों में 10 किताबों में लिखी जा सकती बात वो दो लाइन में लिख एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये पावर है उर्दू पोइट्री। और उर्दू पोइट्री को आप लिटरेरी मत पढ़िए, अभी मैं उसका इलस्ट्रेशन देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल फैज का की पोइट आपने पढ़ी होगी, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, पढ़ा है? पढ़ा है मैंने। अच्छा क्या मतलब इसका बताएं, चल देख लें, आपका टेस्ट मैं करूं? नहीं आप दोनों से पूछ रहा हूं, बताइए। अच्छा, मतलब एक बार दोबारा रिपीट करना, भूल गया। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। इसमें सर एक तो यही है कि आपने प्रेमिका के प्रति वो बोल रहे हैं कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार, अगर तुम आओगी तो सब जगह गुलशन और बहार होएगी, हर जगह रंग खिलेंगे। जी इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि आप लोगों को कुछ आता जाता तो है नहीं। अच्छा आप इसका मतलब बताइए। सर शेर शायरी में उनका थोड़ा। अच्छा चलिए इनका टेस्ट ले लिया जाए। मैं नहीं सर आप बताइए। कुछ नहीं आप लोगों को मालूम, अभी थोड़ा टाइम लगेगा हमें, कुछ नहीं मालूम आप लोगों को। आपके उर्दू प्रोफेसर को जो मैं बता रहा हूँ, नहीं एक नहीं बता पाएगा। आप अपने उर्दू प्रोफेसर से पूछ लीजिएगा, पूछिएगा कि इस शेर का क्या मतलब, नहीं बता पाए। अच्छा मैं बताता हूँ। देखिए उर्दू पोइट्री अक्सर उसको लिटरेरी मत लिया करिए। देखिए उसका एक एक मतलब होता है जो सुपरफिशियल मतलब होता है, जो आउटर मीनिंग होती है, लिटरल मीनिंग होती है, और एक इनर मीनिंग होती है जो छुपी हुई बिलो द सरफेस, जो मीनिंग जो जो पोइट कन्वे करना चाहता है, और उसको समझने के लिए आपको सर पटकना पड़ेगा कि क्या शायर के असल में क्या कहना चाहता है। ऊपरी चीज पे मत जाइए आप। अब देखिए सुनिए इसका, ये दो लाइन जो है, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, ये क्रांतिकारी पोएम है, ये प्रेम वेम से कोई मतलब नहीं है। प्रेम भी तो क्रांति का नाम। अच्छा है भाई, अब तुम्हें तो जब सीखना नहीं चाहते हो। देखो एक तो होता कि नहीं आता कहना कि हाँ सर मुझे सिखा, और दूसरा कहना नहीं मैं आता, तो फिर तुम्हें कौन सिखाए? ये डबल मूर्खता हो गई, एक तो तुम्हें आता भी नहीं है और दूसरा तुम सीखना भी नहीं चाहते हो। ये डबल मूर्ख इसको कहते हैं। पहले कहो कि साहब हाँ साहब मुझे नहीं मालूम, मैं सीख रहा हूँ, इतनी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। जी सर सॉरी, आप नाटक मत करो कि तुम्हें आता है। देखिए
अब देखिए धीरे, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। अब देखिए ये जो सेकंड हर लाइन को मिसरा कहते हैं, ये क्रांतिकारी शायरी कैसे है, यहाँ गुलशन जो चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, गुलशन शब्द का जो लिटरल मीनिंग है कि बगीचा बाग, यहाँ जो शायर कहना चाहता है वो बाग से कोई मतलब नहीं है, कंट्री है, चले भी आओ कि वो जो पेट्रियट्स हैं, देश प्रेमी लोग हैं, देशभक्त हैं, उनसे कहो कि आओ देश बड़ी मुसीबत में है, चले अब आओ, चले भी आओ कि गुलशन का कार नहीं चल रहा, चल पा जैसे हिंदुस्तान का हाल है। और जो पहली लाइन है, गुनों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, ये भी एक तो देखिए लिटरल मीनिंग आपने ले ली, गुल गुल मतलब फूल, गुनों में रंग भरे रंग से भरे हुए, बाद मतलब हवा है, नौ बहार स्प्रिंग न्यू स्प्रिंग की हवा चल रही है, ये तो ऊपरी मतलब है, मगर शायर कुछ और कहना चाहता है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप लिटरल मीनिंग पे चले गए, शब्दार्थ पे चले गए। वो कहना चाहता है कि जो ऑब्जेक्टिव सिचुएशन इन द कंट्री इज राइट फॉर अ रेवोल्यूशन, जो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं देश की, वो अब क्रांति की परिस्थिति पैदा हो गई है। गुनों में रंग भरे बाद नौ बहार चले का मतलब द ऑब्जेक्टिव सिचुएशन इन द कंट्री इज राइट फॉर अ रेवोल्यूशन नाउ, और फिर पुकार रहा है देशभक्तों, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, क्योंकि बड़ा मुसीबत में है मुल्क। आप समझ में आई जी सर? ये आपको कोई बताने वाला, कोई आप उर्दू प्रोफेसर जो है ना, बड़े बड़े सैलरी ले रहे हैं, बड़े बड़े वेतन ले रहे हैं, एक नहीं बता पाएगा जो मैंने आपको समझाया। ठीक है सर, फिर आपकी ये फेवरेट शायरी यही थी या कोई और? अरे और भी बहुत सारी हैं सर, एक सुना दो बस, सिर्फ आप उसको डिफाइन मत करना, बस सुना दो आपकी आवाज। नहीं अब नहीं, आप मुझे डिफाइन समझाना होगा। नहीं सर, आपकी आवाज इतनी अच्छी है सर, आप सुनाओगे? अरे भाई अब तुम सुनोगे नहीं, देखिए लिटरल मीनिंग पे नहीं, आप लिटरल मीनिंग पे चले जाएंगे। चलो सर आप, चलो आप समझा दें। पोएट्री देखिए, एक तो उर्दू जो कवि होता है, ही हैड अ हॉरर ऑफ यूजिंग लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, जैसे मिर्जा गालिब थे, उनको बड़ा ही वाज हॉरिफाइड कि जो पोएट्री की भाषा आम आदमी की भाषा नहीं होनी चाहिए, तभी इतनी फारसी लफ्ज आते हैं कि टू मेक इट मोर सोफिस्टिकेटेड एंड एलिगेंट। सो गालिब बिलीव कि पोएट्री शुड नॉट बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन, जो आम आदमी भाषा बोलता है पोएट्री की भाषा नहीं होनी चाहिए, सोफिस्टिकेशन होना चाहिए उसमें। अच्छा, और थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखता है। उर्दू पोइट्री लिखी जाती है बाई हिंट्स, बाई सजेशंस, बाई इंडिकेशंस, मेटाफर्स, डायरेक्ट लैंग्वेज में नहीं आप समझिए उसको, इट इज़ मेटाफोरिकल। अच्छा, अब देखिए ये जो बहुत मुझे पसंद है शेर फिराक गोरखपुरी का, हर जर्रे पर एक कैफियत नीम शबी है, ऐसा कि ये दौरान ये गुनाहों की घड़ी है। दो लाइन है, अब सुनिए इसका अर्थ, बड़ा भारी अर्थ है, ये तो 10 किताब आ गई है दो लाइन में, कैसे सुनिए। हर ज़र्रा, ज़र्रा मीन्स पार्टिकल, वो बता रहा है डिस्क्राइबिंग दिस एज ऑफ ट्रांजिशन, जब सोसाइटी फ्रॉम फ्यूडल सोसाइटी इज चेंजिंग इनटू मॉडर्न सोसाइटी, इसका क्या इसका नेचर है। हर जर्रे पर एक कैफियत मीन्स नेचर, नीम शबी, नीम मतलब आधा, शब मतलब रात, तो हर कण कण में जैसे लोग रात को आपको 12 बजे कोई जगा दे तो आप बिल्कुल नींद में होंगे, कंफ्यूज स्टेट में हैं, हर जर्रे मतलब एवरी थिंग इज इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, हर जर्रे पर एक कैफियत मीन्स नेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हाफ, आधी रात को आप जगा दे तो आप बिल्कुल जैसे कंफ्यूज होंगे, एवरी थिंग इज इन कन्फ्यूजन, हर जर्रे पर एक कैफियत नीम शबी है, ए साकी है दौरान। अब देखिए साकी तो वैसे लड़की होती है जो शराब लेके आती है, मगर उर्दू पोइट्री में इट इज़ यूज फॉर इन द सेबॉ कि जिसको आप अपने इनर मोस्ट थाट बता सकें, समबडी हुम यू कैन कन्वे द इनर, औरों को आप नहीं बता सकते मगर उसको बता सके, ए साकी है दौरान, इन दौरान मीन ऑफ द एज, इस ज़माने की ये गुनाहों की घड़ी है। गुनाह कैसे कि
दोनों तरीके से गुनाह है कि जो फ्यूडल सोसाइटी था उसमें कास्ट सिस्टम था, कास्ट सिस्टम वॉज रिगार्डेड गुड, तो जो जो कास्ट से बाहर शादी करेगा वो गुनाहगार हो गया है। औरतों को नीच माना जाता था इन फ्यूडल सोसाइटी। विमेन देखिए, ढोल गवां शूद्र पशु नारी रामचरित मानस में है। अब इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, मुझसे पूछा मैंने कहा तुम लोग की बात, मैंने कहा ये सब जगह है साहब, फ्यूडल सोसाइटी में विमेन वर नॉट रिकॉर्डेड इक्वल टू मेन, क्योंकि तुलसीदास ने लिखा था रामचरित मानस अकबर के ज़माने में फ्यूडल सोसाइटी थी, उस जमाने में औरतों को नीच माना जाता था। इस्लाम इनकी कुरान में अपने मुस्लिम फ्रेंड से कहता हूँ सूरह अन-निसा देखो, जिसमें कहा है कभी कभी और बीबी को पीटो। अब चिल्लाने लगते हैं, अरे हमने कहा भैया पढ़ लो निकालो। और यूरोप में भी यही था, क्रिश्चियन में भी था, सब जगह था कि औरत को बराबर नहीं माना जाता था मर्द से। ये तो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में मैन आर रिगार्डेड इक्वल टू वीमेन आर रिगार्डेड इक्वल टू मैन। तो मैंने कहा देखिए ये देखिए गुनाहों की घड़ी है कि औरत को एजुकेशन देना ये गुना माना जाता था पहले कहा था कि और एजुकेशन इज टू बी गिवन ओनली टू बॉयज नॉट टू मैन। अब मगर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू मॉडर्न माइंडेड पीपल औरत को अनपढ़ रखना ये गुना है, एंड मैनी मॉडर्न माइंडेड पीपल दे मैरिया। ये देखिए ट्रांसिशनल एज को रिफ्लेक्ट कर रहा है ये शेयर कि सोसाइटी इस पार जब टॉक्सिक चर्बी है, एवरीथिंग इज इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, वैल्यूज बदल रही हैं, जो पुराने वैल्यूज दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। जैसे उसने लिखा है शेक्सपियर ने मैकबेथ में, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। आपने पढ़ा है मैकबेथ? आप लोग कुछ नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल अनपढ़। पढ़ा है अरे छोड़ो तुम लोग कुछ नहीं। मैंने पढ़ा है मैकबेथ। उजड़ किस्म के लोग हो बस, आप ऐसे बेइज्जत क्यों कर देते हो दूसरे को? हो तुम लोग, जब हो तुम दो दो मिला के चार हम ना कहें बुरा लग जाता है, क्यों दो दो मिला के चार कह रहे हो? नहीं हमने पांच कहो मैकबेथ तो मैं तो कहूंगा। अरे छोड़ तुमने क्या पढ़ा, फेयर इज फाउल एंड शुरू में आती है लाइन्स, फेयर इज फाउल एंड फाउल, इन्हें जो बुरी चीज है वो अच्छी चीज हो गई, जो सामंतवाद सामंती सिस्टम में जो अच्छी चीज है अब वो बुरी चीज मान, जैसे जात व्यवस्था सामंती समाज में अच्छी चीज मानी जाती आज बुरी चीज मानी जाती, एवरीथिंग इज इन अ स्टेट ऑफ टर्मोइल, सब बदल रहा है ये रिफ्लेक्ट करता है ये। ठीक है सर, थैंक यू।